नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव आज गोंडा सिटी से करीब 35 किलोमीटर दूर तहसील तरबगंज के एक ऐसे कंप्यूटर संस्थान पे आए हैं जहां पर CCC, BCC, BCA, ADCA जैसे तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कोर्सेस होते हैं। यहां पर हमने देखा सबसे बड़ी बात जो है सफलता एक जिद है, यहां पर जो आया वो पास हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं इस संस्थान में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और कैसे ये लोग पढ़ाते हैं बच्चों को कि बच्चे हर बार पास होते हैं। आइए हम कैमरामैन से कहेंगे कि चलिए प्रियदर्शनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो विगत करीब 15 सालों से तकनीकी क्षेत्र में युवाओं को शिक्षा दे रहा है, युवाओं को सरकार से जो नई नई योजनाएं हैं सरकार की योजनाओं से जोड़ रहा है ये संस्थान, यहाँ सरकारी। मैंने देखा आज कवरेज के दौरान जब मैंने प्रबंधक से बात किया तो उनका मानना है कि हर महीने करीब 30 बच्चे 25 बच्चे, वैसे तो आज बहुत कम की संख्या में हैं लोग, सर का मानना है कि कम से कम 40 बच्चे CCC पास हुए हैं, बहुत बच्चे नहीं आ पाए कुछ वजह से। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार ये पार्टी का जो माहौल है खास करके बच्चों को एक बार बच्चों को दिखाएं। ये वही बच्चे हैं प्रियदर्शनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट संस्थान के जो पिछले 4-5 महीने पहले यहाँ एडमिशन लिए थे और ठीक अभी अक्टूबर महीने में उनका रिजल्ट आया है, कुछ का अभी नवंबर में भी आया है। ये सभी वो खिलखिलाते चेहरे हैं जिनका मानना है कि हम सब पास हुए हैं। हम आपसे और सारी बातें अभी यहाँ संस्थान के बारे में बताएंगे। सबसे सीक्रेसी बात तो ये है कि तरबगंज तहसील का एक लौता एक ऐसा संस्थान जहां पर हर महीने प्रमाण पत्र बढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है जो यहां आया वो सफल हुआ, और सफल ही नहीं हुआ बल्कि तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा और रोजगार परक शिक्षा पाया। बहुत से ऐसे युवाओं को हमने देखा है यहां पर, संस्थापक महोदय से जब मैंने जांच परख की तो उन्होंने बताया कि कई ऐसे युवा हैं जिनको मैंने लोकबाड़ी खुलवा दी है, BC परीक्षा पास करके उनको बैंक दिलवा दिया है, और कई बच्चों को मैंने अकाउंटिंग के क्षेत्र में बाहर भी भेजे हैं। और आपका लक्ष्य है, संस्थापक महोदय का लक्ष्य है कि हर साल अपने संस्थान से करीब 150 से 200 बच्चे तैयार होते हैं जो बैंक में अकाउंटिंग के क्षेत्र में और कई तकनीकी के क्षेत्र में लोग जाते हैं, रोजगार पर शिक्षा लेते हैं। मैं इन बच्चों से भी बात करूंगा कैसे इन्होंने पढ़ाई की है, और खास करके इस संस्थान की सबसे बड़ी बात तो यह है, वैसे पढ़ाई तो हर जगह होती है, हर जगह पढ़ाए जाते हैं सारी बात है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी खासियत है कि जो आया वो पास हुआ। ये कौन सी सीक्रेट है, ऐसी पढ़ाई की क्या व्यवस्था इनके यहाँ है जो सबसे अलग है? आइए मैं सबसे पहले बच्चों से मुखातिब कराता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि आपने CCC पास किया कोई? इसके दौरान सबसे बड़ी अहम कवरेज मुझे मिली तरबगंज के दुर्जनपुर घाट प्रियदर्शनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। सबसे पहले आइए मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बच्चे से मैं बात करता हूँ, और खास करके सबसे बड़ी बात तो यह है कि लड़कियों को शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं दी जाती है। ये एक ऐसा संस्थान है जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में है। मैं आपको बताऊं यहाँ ग्रामीणों में एक सबसे बड़ी आशंका बनी होती है कि लड़कियों को शिक्षा नहीं देना चाहिए, लेकिन ये संस्थान विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि लड़कियों को, जितने लड़के उतनी लड़कियां, सभी को, कभी BCC, कभी CCC, कभी BCA तो कभी BTEC और YoungTEC जैसे तकनीकी क्षेत्र वाले कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है। आइए हम आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी मिश्रा है, मैं ADCA की छात्रा हूँ। अक्टूबर महीने में मैंने, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि सभी बच्चों की जो पार्टी हो रही है आज, ये CCC की पार्टी हो रही है ऐसा मानना है, तो CCC आप पास हो गए हैं? यस सर। कब पास हुए आप? अक्टूबर महीने में मैंने CCC का कोर्स पास। कौन सा ग्रेड आया आपका? अच्छा, कैसा लग रहा है परीक्षा दे के पास हो गए, आज आपकी पार्टी है यानी बच्चे आपको विदाई दे रहे हैं, तो फिर आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज हम लोग ही पार्टी दे रहे हैं यहाँ क्योंकि हम लोग पास हो चुके हैं। और अच्छा, लोग कहते हैं कि CCC की परीक्षा तो बड़ा डर लगा रहता है कि फेल हो जाओगे, पास नहीं होते हैं लोग, ऐसा कुछ तो? नो सर, डर नहीं लगा रहता क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, इतने अच्छे से मैम और सर पढ़ाते हैं कि मतलब डर नहीं लगता है। क्या नाम है आपका? साक्षी मिश्रा। किस क्लास में हो आप? हम सर यहाँ एकेडमी पढ़ाई भी कर रहे हैं आप? यस सर। क्या हुआ, कौन सा क्लास चला आपका इस बार? सर BSc सेकंड ईयर। बहुत बहुत अच्छा, बैठ जाइए आप। ये थी साक्षी मिश्रा जिन्होंने BSc सेकंड ईयर में एडमिशन ले रखा है, साथ साथ ADCA के कोर्स में एडमिशन लिया। पिछले महीने अक्टूबर में इनका रिजल्ट आया CCC में सी ग्रेड।
मैं आपको बताऊं ग्रेड मायने नहीं रखता, यहाँ पासिंग मायने रखता है, क्योंकि यहाँ एक जिद होती है पास होना है। आइए एक बच्चे से और मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मोहन हराज सिंह, मेरे यहाँ ट्रिपल सी बोर्ड। अच्छा, ट्रिपल सी कब पास हुए हो? अक्टूबर में। अक्टूबर में कौन सा ग्रेड है आपका? सी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग। लोग कहते हैं कि ट्रिपल सी नहीं पास हो पाओगे तो फिर मतलब, अच्छा दोबारा फॉर्म भर सकते हो ट्रिपल सी में, एक बार फेल हो जाओ? अच्छा भर सकते हो, तो तुम एक बार फेल हुए? नहीं। अच्छा पहली बार में ही भरे? पहली बार में पास? बहुत सुंदर। सारा श्रेय किसको दोगे, मम्मी पापा फिर मैम को या सर को? सर मैम को। अच्छा, यानी इस बार पेट की परीक्षा में आप शामिल होंगे, भरेंगे लेखपाल की परीक्षा भरेंगे। क्या नाम है आपका? किस क्लास में हो आप? पढ़ाई भी करते हैं अकेडमी? बीसीए। अच्छा बीसीए, क्या नाम बताया अपना? अभय राज सिंह, जो यही प्रिय दर्शनी संस्थान से बीसीए कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं बीसीए तकनीकी क्षेत्र का ऐसा कोर्स, सभी बच्चे बीएससी बीए बीकॉम, ये एक ऐसी तीन कॉमन डिग्री है जो प्रत्येक बच्चों के होठों पर रहती है। लेकिन हम आपको बता दें कि 10+2 के बाद अगर आप करियर तकनीकी क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं, रोजगार परक शिक्षा लेना चाहते हैं, तो बीसीए करना चाहिए। बीसीए एक ऐसा कोर्स जो आपके ग्रेजुएशन ही नहीं कराते बल्कि ये तकनीकी क्षेत्र से भी जोड़ते हैं, साथ साथ किसी प्रशासनिक या जिस भी प्रकार से आपके जो भी ग्रेजुएशन संबंधी वैकेंसियां निकलती हैं उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सावित्री गौतम है। कहाँ से आप हैं? मैं ये डीसी की छात्र हूँ, मैं पीसीआरटी में पढ़ती हूँ। यहाँ ट्रिपल से आप पास हो गए? नहीं सर, अभी खत्म आपकी परीक्षा देनी है। यस सर। अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि पास हो जाएंगे? यस सर, क्योंकि मैम और सर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मुझे समझ में भी आता है। अच्छा, मतलब आप किस गांव से हो? मैं मोतीरामपुरवा से हूँ। ये ग्रामीण की एक ऐसी छात्रा जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है, हमने इसके बारे में पहले भी बात किया था कि इसकी पढ़ाई शुरू में इतनी अच्छी नहीं थी, बशर्ते वर्तमान समय में इसकी कंप्यूटर जो जानकारी है वो तो बड़ी ही, साथ साथ एकेडमिक जानकारी भी बड़ी हुई है। तो सबसे पहले बैठ जाइए आप, और एक लोगों से मैं और किसी से बात कर लूं। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंह है। कहाँ से हो आप? मैं इधर तरबगंज से। किस क्लास में हो? एडीसीए का यहां छात्र हूं। एडीसीए का छात्र हो? बीए बीएससी बीकॉम कुछ किया आपने? यहां से बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा बीसीए आप कर रहे हैं। अच्छा बीसीए का फुल फॉर्म बता दीजिए आप। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे ये सलाह आपको किसने दिया था कि बीसीए करो, बीए क्यों नहीं किया? यहाँ पर आए थे तो एडमिशन कराने एडीसीए में, तो मैम और सर बताई बीसीए का कोर्स मतलब कैसे होता है यहाँ पर। तकनीकी क्षेत्र का सबसे बढ़िया कोर्स है ये। बीसीए के बाद क्या करेंगे आप? बीसीए के बाद फिर एमसीए करेंगे। एमसीए करेंगे। क्या नाम बताया अपना? विकास सिंह। विकास सिंह, ये है विकास सिंह जो इसी संस्थान के बीसीए के छात्र हैं, ये आगे चल के एमसीए करेंगे। इनको तकनीकी क्षेत्र से प्रेम है। इनको मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, युवाओं के मन में खास करके ग्रामीणों ने ये ठूस ठूस कर भर दिया कि बीए करो, बीकॉम करो, बीएससी करो। मैं आपको बता दूं अगर रोजगार परक शिक्षा लेनी है, मैं बताऊं यहाँ पर जो बीसीए तो चलो आप कर रहे हो ठीक है, यहाँ ट्रिपल सी की जो पार्टी हो रही है, खास करके आज ट्रिपल सी ही की पार्टी के बारे में पूछूंगा, तो ट्रिपल सी क्या पास हो? जी सर पास में। कौन से ग्रेड से? बी ग्रेड आया। अच्छा बी ग्रेड से। कहाँ पेपर हुआ था आपका? पेपर हुआ था गोंडा में। अच्छा, सारे प्रश्न आते थे? आते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि कठिन कठिन क्वेश्चन आ रहा है, कैसे पढ़ाया गया था तो उसी से रिलेटेड आया था क्वेश्चन? जो पढ़ाया गया वो आपने लगा दिया जी। यानी इस बार आप लेखपाल और सेक्रेटरी की भर्ती देखोगे जी सबका। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम बताया अपना? विकास सिंह। विकास सिंह, ये है विकास सिंह जिन्होंने ट्रिपल सी बी ग्रेड से पास किया है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले एक लड़का मुझे मिला था जो एस ग्रेड भी आया था। वैसे तो डी ग्रेड होता है, डी ग्रेड के बाद सी ग्रेड, फिर बी ग्रेड, ए ग्रेड और फिर एस ग्रेड, इतने ग्रेड्स होते हैं ट्रिपल सी में। वैसे तो कि ऐसे बहुत से मेधावी छात्र ग्रामीण में पढ़े हुए हैं जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। आइए हम आप सभी को मिलाते हैं कोमल से, जो एक ऐसे किसान परिवार से जिनके परिवार में स्थिति ना सही होने के नाते प्रायोरिटी पढ़ाई को दी है। ऐसी कहानियां ये कोई नई नहीं है, इससे पहले कई ऐसे लेखक कई ऐसे नेता हुए हैं जिनका ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से पहले की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन इतिहास उन्होंने ही रचा है। ईश्वर गरीबी देता है तो एक हिसाब से ये वरदान होता है, ऐसा मान के चलना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा है जो अपने बल पर खड़ा हो। आइए देखते हैं, कोमल सिंह से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल सिंह है। कहाँ से हो आप? परसिया से। परसिया से हो, ट्रिपल सी पास हो गया आप? यस सर। बड़ा अच्छा लगा। यस सर, बहुत। पार्टी दिया सर को? सर आज ही। आज पार्टी दे रहे हो? यस सर।
अच्छा, ये धन्यवाद भी है मैम को सर को। यस सर। अच्छा, तो ट्रिपल सी आप पास हो गए, जैसा कि मैंने जाना है, वैसे तो समस्या सभी के पास है, लेकिन कैसे मतलब फीस उस मैनेज कर लेगी, पापा की अपने स्वयं कर दिए, कैसे व्यवस्था है? सर पापा और भैया करते हैं। पापा भैया की मतलब लड़ाई झगड़ा करके कुंड में पड़े, गांव में तो कहते हैं पढ़ाओ ना लड़कियों को, ऐसा बोलता है गांव के लोग, तो यही सोचते हैं लड़कियां घर में ही है, बाहर ना निकले, बाहर ना निकले। तो आप बाहर निकले, लोगों को चुनौती भी हुई, लोगों को आपने जवाब भी दिया होगा, अब आप पास हो गए हो और ईश्वर करेगा जल्द ही आपको सफलता मिलेगी, जब आप पेट एग्जाम्स देकर के लेखपाल और सेक्रेटरी जैसे पोस्ट में आप फॉर्म भरेंगे और भी कंप्यूटर के कई स्कोप हैं वहां जाएंगे, फिर जब सफलता मिलेगी तो ग्रामीणों को पता चलेगा कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, वैसे इतिहास गवाह है लड़कियां पीछे नहीं है। धन्यवाद कोमल सिंह, ऐसे लोगों की आवश्यकता है इस देश में जिनके अंदर कुछ जज्बा होता है। एक जज्बाज बच्चा और भी बैठा है जिससे मैं बात करूंगा, इससे भी बात करने के बाद ऐसा लगा कि बच्चों को मेहनत से हार नहीं माननी चाहिए, जीत हार की ही बात है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार यादव। कहाँ से हो आप? ग्यारसर से। ग्यारसर से हो, किस क्लास में पढ़ते हो आप ये बताओ? हमारा इस समय बी एस सी कंडीयर चल रहा है, यहाँ से एडीसी है। एडीसी हो, ट्रिपल सी पास हुए भी नहीं? यस सर पास हुए। कौन सा ग्रेड? सी ग्रेड। सी ग्रेड पास हुए हो, ये बताओ कि अब आप पास हो गए हो, कंप्यूटर समझ आता है पूरा? यस सर। प्रैक्टिकल काम समझ आता है? किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो? यस सर काम कर सकते हो। क्या बात है, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या करोगे? सर हम प्राइवेट काम ही करेंगे। क्या बात है, सबसे अच्छा तो तब मुझे लगा जब एक बच्चे ने कहा कि मैं प्राइवेट काम करूंगा, इसका अर्थ एक हुआ कि मैं नौकरी लूंगा नहीं नौकरी दूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा युवा, अगर ऐसे युवा सोच लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भार कम हो जाए, क्योंकि वो रोजगार सारे युवाओं को रोजगार परक बनाने में लगे हुए हैं। कहते हैं जब सभी लोग एक दूसरे को रोजगार देना शुरू कर देंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही एक बच्चे से मिला, उनका पहले से ही मानना है कि मुझे सरकारी से कोई मतलब नहीं, मैंने पढ़ाई अपने बल पर की है और रोजगार परक शिक्षा ली है। बड़ी बात तो कवरेज के दौरान मैंने ये देखी, एक ऐसी लड़की को मैंने देखा जिन्होंने ये बताया कि सारे बच्चे मुझे कहते थे कि आप फेल हो जाओगे, ट्रिपल सी फेल हो जाओगे, बहुत देरी हुई थी बच्ची सहमी हुई थी, लेकिन ये नहीं पता था उसको कि जो मेरी जानकारी है वो सही है, वो विश्वास बदल गया सच्चाई में सफलता में। आकांक्षा मिश्रा जो एक साइंस साइट की छात्रा है, इन्होंने अभी पिछले ही महीने ट्रिपल सी पास किया और ये वही लड़की है जिन्होंने अपने लाइफ में कभी हार नहीं मानी, लेकिन इनको हराने वाले लोग कम भी नहीं थे। आइए दिखाते हैं आपको, क्या नाम है आपका? आकांक्षा मिश्रा। आकांक्षा मिश्रा, लोग कह रहे थे कि आप बहुत डर रहे थे कि फेल हो जाओगे, बड़ी हंसी होगी, तो ऐसा कुछ था? पढ़ाई पर विश्वास नहीं था क्या? सर था विश्वास। कौन पढ़ाता है आपको? सर पढ़ाते थे। सर पढ़ाते, कौन सर पढ़ाते हैं? संतोष सर। संतोष सर पढ़ाते हैं और मैम ही पढ़ाती? मैम भी पढ़ाती। पढ़ाती हैं, प्रैक्टिकल भी अच्छे से हुआ, थ्योरी भी अच्छे से? प्रैक्टिकल भी अच्छे से हुआ, थ्योरी भी अच्छे से। तो तुम्हें कैसे लग रहा था कि हम फेल हो जाएंगे जब आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ाया गया था? विश्वास था कि पास हो जाएंगे? हाँ हमें विश्वास था, सारे लोग बोल रहे थे फेल हो जाओगी, बट मुझे विश्वास था कि मैं पास हो जाऊंगी, क्योंकि सर और मैम ने उतने अच्छे से पढ़ाया था ना, इसलिए विश्वास था। कौन सा ग्रेड आया आपका? सी ग्रेड। सी ग्रेड आया आपका, आगे आप क्या पढ़ना चाहोगे ये बताओ? ट्रिपल सी तो आप पास हो गई, आप क्या करोगे? मैं यहाँ से एडीसी कर रही हूँ। एडीसी कर रही हूँ, एडीसी हो जाएगा फिर ये, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में फिर देखेंगे यहीं से बीसीए। बीसीए भी करने की उम्मीद है? yes, यानी तकनीकी क्षेत्र में बढ़िया जानकारी रखते yes, हो बीसीए ट्रिपल सी डीटीपी है ना, सर, ये सारे कोर्सेज हैं, आपको प्रैक्टिकल से ही पढ़ाया जाता है? हाँ, प्रैक्टिकल। किसी भी कंपनी में भेज दिया, काम कर लेंगे आप? काम कर लेंगे। क्या बात है, क्या नाम है आपका? आकांक्षा मिश्रा। आकांक्षा मिश्रा, डर खत्म डर के आगे जीत, नाम आकांक्षा मिश्रा, सही समय पर उसको सफलता निश्चित ही मिलनी है। आइए मैं आपको बताऊं कि मैं गोंडा शहर से, गोंडा सिटी से करीब 33 से 35 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, तरकबन तहसील में हूँ, जो एक ग्रामीण क्षेत्र का कस्बा है ये दुर्जनपुर घाट। ये संस्थान पिछले करीब 15 सालों से अग्रणी रहा है बच्चों को सफलता दिलवाने में, और मैं संस्थापक महोदय से भी आपको रूबरू कराऊंगा और मैडम से भी रूबरू कराऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ बात के दौरान देखा कि सभी बच्चे कह रहे थे कि इसका सीक्रेट मैम है। वैसे हर महीने यहाँ एक पार्टी देते हैं बच्चे और इस पार्टी में इनके धन्यवाद छिपे होते हैं अपने संस्थापक महोदय के लिए, अपने मैम के लिए। तो आइए मैं सबसे पहले सपना पांडे मैम से बात करता हूँ कि आपके पास वो ऐसा कौन सा सीक्रेट है कि बच्चों को आप पढ़ाते हो सारे बच्चे पास हो जाते हैं फिर इनको, या फिर इनका ऐसा विश्वास है, या फिर क्या, कैसे आपने कहाँ से पढ़ाई की, फिर इतनी अनुभव कैसे है? तो आइए सपना पांडे मैम से पूछता हूँ कि फिर कैसे आपकी पढ़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर मैं ये क्रेडिट जो मुझे बच्चे दे रहे हैं, मैं ये क्रेडिट
मैं हूँ बेसिकली एक हाथ से ताली नहीं बजती, तालियाँ दोनों हाथ से बजती हैं। मेरा एफर्ट, सेंटर का एफर्ट और बच्चों का एफर्ट सारा लगा और बच्चों को मिली कामयाबी। एक बात मैं ये जानना चाहूंगा, शहर के बच्चे तो टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, उनको पढ़ाना बड़ा आसान होता है। ये मैं देख रहा हूँ, ये कस्बा दुर्जनपुर घाट बिल्कुल ग्रामीणों से जुड़ा हुआ है, यहाँ के बच्चे कुछ नहीं जानते ऐसा मैं जानता हूँ। तकनीकी क्षेत्र वैसे तो गाँव में अब फैल चुकी है जगह जगह पर, लेकिन अभी भी शहर से पीछे रहा है गाँव। तो फिर उन बच्चों को आप कैसे पढ़ा लेती हो जिनको अभी अंग्रेजी भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, वो कंप्यूटर कैसे समझ लेते हैं? सर मैं बताऊं आपको कि मैं थोड़ा टीचिंग कैरियर में है मेरा, तो मैं ये जानती हूँ कोई बच्चा खाली स्लेट नहीं होता है। हर बच्चे के पास अपनी यूनिक क्वालिटीज होती हैं, उनके पास कैपेसिटी एबिलिटी सारी होती है, बस एक टीचर को जरूरत होती है उसे निखारने का, परखने का कि बच्चे को किस वे में हम समझाएं कि उनको समझ में आ जाए। तो वही हम लोगों को हथकंडा अपनाना पड़ता है। सारे बच्चे यहाँ तेजी नहीं आते कि आईक्यू लेवल उनका बहुत हाईएस्ट हो, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में उनको समय चाहिए होता है, या उनको कैसे समझाएं ये डिपेंड टीचर पे करता है। अगर वही हम कर ले जाते हैं तो बच्चे को सक्सेस मिल जाती है, अब वो बच्चा चाहे गांव का हो या शहर का। अध्यापक के गोद में प्रलय निर्माण पलते हैं, ये बात सिद्ध हुआ सपना पांडे मैम से बात करके। बच्चे कोरे कागज होते हैं, उनको कैसे लिखना पढ़ना है, क्या करना है, सबसे पहले अध्यापक को ये जानना बहुत जरूरी होता है। ये अध्यापक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब तक आप बच्चों को नहीं पढ़ेंगे, फिर वो चाहे गांव के हों या शहर के हों, निश्चित ही असफलता यहाँ आएगी। अध्यापक वही जो बच्चों को पढ़े, स्वयं पढ़े तब पढ़ाए। आइए मैं संस्थापक महोदय से एक शब्दों में बात करूँगा कि आपकी संस्था पिछले करीब 10-15 सालों से अग्रणी रही है तकनीकी क्षेत्र में, और बच्चों और युवाओं को जागरूक करती आ रही है। हर साल करीब 100 बच्चों को आप सफलता दिलवाते हैं CCC, ADC, DCA जैसे कोर्सेज में, और खास करके अब तो यहाँ BTEC और MTEC, BCA, MCA जैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? और नाम संतोष मलता है जी, और ये प्रियदर्शनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पिछले लगभग 10-15 सालों से यहाँ पे कार्यरत है जी। और यहाँ पर सेंटर डालने का एक ही उद्देश्य है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, ये बच्चे अभी डिजिटल क्षेत्र में बहुत ही दूर हैं, इनको कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की अगर हम इनको सीख लेते हैं तो क्या स्किल हमारे अंदर आ जाएगी। IT सेक्टर एक उभरता हुआ सेक्टर है, अगर इस सेक्टर में इतनी अवसर है, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि अगर इन बच्चों के अंदर हमने वो डेवलप करा दिया तो ये कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। इस मकसद से सेंटर की शुरुआत की गई। यहाँ पे एक संस्थापक होने के साथ साथ मैं भी एक टीचर हूँ, और हम सभी जितने भी अध्यापकगण हैं एज ए फैमिली मिलकर के बच्चों के लिए हर संभव इनके बेटर होने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा, यहाँ हर महीने में देखता हूँ एक विशेष पार्टी बच्चे करते हैं, कभी BCA की, कभी CCC की, कभी कुछ, ये एक धन्यवाद होता है गुरु के लिए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो बच्चे असफल हो जाते हैं तो उनको फिर कैसे आप आगे चल के डील करते हैं? देखिए, सफलता असफलता ये भी एक कहीं ना कहीं अपने आप में मिसाल पेश करती है। जो बच्चे असफल हुए हैं वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनको हम बुलाते हैं कि चलिए, अगर मान लीजिए फिलहाल अपने यहाँ का ये अब तक रेशियो रहा है हम लोगों के सहयोग से कि बच्चे CCC जो कि एक बोर्ड पेपर होता है, काफी टफ पेपर होता है, यहाँ पे 99-100% का रेशियो अब तक रहा है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि पास ना हुआ हो, सिवाय कहीं एक आध के। तो अब जो बच्चे फेल हो गए, एक दो बच्चे, उनको हम बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि एक ये जो आपकी असफलता है ये नेक्स्ट लेवल पे आपको सफलता जरूर प्रदान करेगी, तो आप निराश ना हो, एक बार फिर से फॉर्म डालिए, हम दोबारा उनके साथ लग जाते हैं और उनको पास करवा के ही छोड़ते हैं जी। बिल्कुल सर, मैं एक बात ये जानना चाहूंगा कि अपने यहाँ कौन कौन से कोर्सेज आप करवाते हैं? अपने यहाँ DCA, ADCA, BCC, CCC, टेली प्राइम हो गया, और यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेस हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे कह रहे थे कि सर हमने 10+2 तो कर लिया, बट BA, BSc, BCom इन सब में स्कोप इतना नहीं दिख रहा, तो अगर हम कोई IT सेक्टर का ग्रेजुएशन कोर्स अगर हमें मिल जाता, UGPG में हमारा एडमिशन IT सेक्टर में हो जाता, तो हम वो मंजिल पाते, वो सपने पाते हैं जो हम बड़ी बड़ी कंपनियों, गूगल जैसी कंपनियों में आज देख पा रहे हैं कि उनका एक अपना अलग ही यूनिक पैकेज है, अलग ही यूनिक रुतबा है, तो वो मुझे मिल जाता। इसके लिए मैंने कुछ यूनिवर्सिटियों से भी टाई अप किया और इन लोगों को अब BCA, MCA ये डिग्री भी दिला रहे हैं, तो बच्चे सारे डिग्री ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे प्रियदर्शनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के संस्थापक महोदय माननीय संतोष कुमार गुप्ता जी, जो पिछले करीब 15 सालों से तकनीकी क्षेत्र में ग्रामीणों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई IT सेक्टर का ग्रेजुएशन कोर्स अगर हमें मिल जाता, UGPG में हमारा एडमिशन IT सेक्टर में हो जाता, तो
तो हम वो मंजिल पाते हैं, वो सपने पाते हैं जो हम बड़ी बड़ी कंपनियों, गूगल जैसी कंपनियों में आज देख पा रहे हैं कि उनका एक अपना अलग ही यूनिक पैकेज है, अलग ही यूनिक रुतबा है, तो वो मुझे मिल जाता। इसके लिए मैंने कुछ यूनिवर्सिटियों से भी टाई अप किया और इन लोगों को अब BCA MCA ये डिग्री भी दिला रहे हैं, तो बच्चे सारे डिग्री ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे प्रियदर्शनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के संस्थापक महोदय माननीय संतोष कुमार गुप्ता जी, जो पिछले करीब 15 सालों से तकनीकी क्षेत्र में ग्रामीणों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपसे मिलकर सबसे बड़ी सफलता मुझे तब मिली जब एक अध्यापक होने का एक अहम भूमिका जो होता है वो आप निभाती हुई नजर आए। बच्चों में आपने दिखाया कि 99% बच्चे रिजल्ट पास पाते हैं। जो बच्चे डीमोटिवेटेड हो जाते हैं उनको मैं पुनः बुलाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। यहाँ मैंने भी देखा बच्चों में एक विशेष उत्साह, ग्रामीण होने के बाद भी बच्चों में वो लक्षण नहीं दिखा जो ग्रामीणों का होता है, तो कहीं ना कहीं अध्यापक का सबसे बड़ा सहारा है यहाँ पर। उम्र मायने नहीं रखती, शिक्षा जब हो अध्यापन कार्य तभी शुरू हो जाए। सबसे कम उम्र के एक ऐसे बच्चे से मिले जो प्रियदर्शनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में यहीं पर पढ़ाई की, यहीं पर प्रैक्टिकल सीखा और अपने ही मैम और सर के सानिध्य में अब पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। एक ऐसा लड़का, जी हाँ मैं बताऊंगा, इससे पहले यहाँ कई ऐसे बच्चे आ चुके हैं जो टीचर बने हैं और टीचर उम्र तो बहुत कम है लेकिन पढ़ाने का नजरिया अनुभवियों से कहीं ज्यादा। अभिषेक मिश्रा एक ऐसा लड़का, उम्र बहुत कम, पढ़ाई बहुत ज्यादा, तकनीकी क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझा आपने। मैं आपको मिलाऊंगा अभिषेक मिश्रा से जो यहीं पर पढ़े हैं और अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि आप आएं अभिषेक मिश्रा के पास। क्या नाम है आपका और फिर आपने कौन सी पढ़ाई की है और कैसे फिर पढ़ाने लगे आप? अभिषेक मिश्रा नाम है, मैं इस समय BCA कर रहा हूं, सेकंड ईयर में। आप गांव से हो, शहर से? जी सर, गांव से ही। बचपन से ही मैं गांव में ही रहा हूं। गांव से ही रहे हो, गांव से ही पढ़े हो। मानना ये है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर पढ़ाते हैं, आप यहीं पढ़े भी हो, फिर पढ़ाते हो, सब कुछ बताते हो, तो ये इतना जल्दी कैसे सब हो गया? कुछ नहीं सर, जब मैं यहाँ आया तो मतलब कि मैं यहाँ आया तो मैं यहीं रह गया, तो इसलिए मैं यहीं हूँ। अच्छा, तुम यहाँ पर आए, यहीं पर रह गए, तो यहीं पर रह गए। यहाँ से मैं कहीं गया ही नहीं, क्योंकि यहाँ जब मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मुझे सीखने में बड़ा अच्छा लगा। कंप्यूटर मैं जब मैं 12-13 साल का था तब से चला रहा था, तो कंप्यूटर मुझे चलाने में भी अच्छा लगता था। बचपन में पापा जब मेरे लिए फ़ोन लाते थे तो अपने लिए फ़ोन लाए तो वो एक जो उसका डिब्बा आता तो वो पहले मुझे ला के दे दे, तो मैं जो उसको दबाऊं तो वो चले ही ना, तो हम कहे ये चल क्यों नहीं रहा, तब फिर पीछे से निकाल के दे ये वाला फोन था, ये वाला फोन है। तो वहीं से मुझे टेक्नोलॉजी में जो है प्यार आया कि टेक्नोलॉजी में मुझे जाना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है टेक्नोलॉजी में, या वो हार्डवेयर का हो या सॉफ्टवेयर का हो। तुम गाँव से हो और उसके बाद इतनी अच्छी पढ़ाई आपने की, कितने साल के हो अभी? मैं 19 साल का। 19 साल के हैं, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अभी 19 साल के हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, अपना खर्चा भी निकाल रहे हैं, परिवार के ऊपर भार नहीं है बल्कि एक उपकार है। अभिषेक मिश्रा, कौन सी पढ़ाई आप कर रहे हो? जी सर, इस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, और कौन सा कोर्स आपने किया है अब तक, क्या क्या पढ़े हो? अभी तक मैं 12th पास आउट हूँ और ADCA CCC BCA ग्रेजुएशन से छोड़ के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे मैंने कवर कर लिए, ADCA CCC टैली DTP सारी चीजें। ये अभिषेक मिश्रा जिन्होंने कौशल परक और कुशल परक शिक्षा ली है और युवाओं को एक संकेत है, ग्रामीण पीछे नहीं आगे हैं, विश्वास हो सब संभव है। अभी हमने अभिषेक मिश्रा से बात किया। अभिषेक मिश्रा 19 साल का मात्र एक छात्र है जो तकनीकी क्षेत्र को बखूबी जान चुका है, बच्चों को पढ़ा भी रहा है। वहीं पर मैंने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को इतना कौशल परक शिक्षा दी गई, तो मैंने उनसे बात भी किया, मैंने उनसे प्रश्न उत्तर भी किए। और वहीं पर एक ऐसा लड़का हरिहर, एक ऐसा लड़का है जो इसकी भी उम्र बहुत कम है लेकिन ये लैब टेक्नीशियन है, यहाँ लैब का कारभार देखता है, बच्चों को सपोर्ट करता है प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले जब मैंने इनसे बात किया तो इनका मानना ये है कि कोई भी बच्चा ग्रामीण हो, शहर का हो, चाहे जहाँ का हो, अगर वो मेरे पास आ जाएगा तो निश्चित हम उसको प्रैक्टिकल में पारंगत करेंगे। आइए मिलते हैं हरिहर मिश्रा से। हरिहर, क्या नाम है आपका बताइए? माय नेम इज हरिहर देव सरन मिश्रा। कहाँ से हो आप? गाँव से ही हो। कितने साल के हो आप? 24 ईयर के हो। कौन सी पढ़ाई आपने की अभी तक? ग्रेजुएशन की है, BSc। अच्छा, BSc की हो, कहाँ से की हो, किस यूनिवर्सिटी से? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से की हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो? जी। अच्छा अच्छा,
बीएससी के बाद मैंने बीसीए कर रहे हैं। अच्छा, बीसीए करना आपने उचित समझा जी। अच्छा, तो आपके ऊपर तो भार ज्यादा पड़ गया कि पहले आपने बीएससी किया फिर बीसीए किए। तो बीसीए महंगा तो है लेकिन ये रोजगार पर कोर्स है, और ये जैसे कि यहाँ आप लैब टेक्नीशियन हो, लैब का काम देखते हो। अच्छा ये बताओ, जब कोई लड़का नहीं समझ पाता है, तुम तीन बार बताते हो, तब वो पूछता रहता है कि ऐसा बताओ ऐसा बताओ, तो गुस्सा लग जाती है जी? नहीं, अच्छा, बताते रहते हैं। अच्छा, बताते रहते हो, एक बार पूछे, दो बार पूछे, चाहे जितना बार पूछे जी, जी। मतलब उसको आ जाना चाहिए जी। अच्छा, यही सफलता का राज है जी। सारे बच्चों को, मतलब कोई नया आ गया, मान लो कुछ नहीं आता उसको, तब कैसे बताते हो? तब भी उनको शुरुआत से बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो क्या नाम बताया अपना? हरिहर दियो शरण मिश्रा जी। बड़ा अच्छा लगा मुझे जब आप कहते हो कि एक बार पूछे, चाहे दो बार पूछे, चाहे तीन बार पूछे, चाहे जितनी बार पूछे, जब तक समझ में ना आए तब तक मैं उनको बताऊंगा। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। कमेंट में अपने सुझाव जरूर लिखें। हमारे प्रियदर्शनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के जो कवरेज हैं उसको आप अच्छे से पूरा देखें और समझें कहां कमी रह गई, क्या सुधार है, क्या अच्छा है, जरूर बताएं। कैमरामैन अभिषेक मिश्रा के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोड़ा।